चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। जैन, ये क्या बदतमीजी थी? ईमान आपी से तुमने क्या कहा है? तुम जानते भी हो, तुम अब बच्चे नहीं रहे हो जो एक बात तुम्हें बार बार समझाई जाए। जाओ और जाकर ईमान आपी से सॉरी कहो। जैन, तुम उन दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम जानते भी हो? ये शादी ईमान आपी की मर्जी और उनके घर वालों की खुशी से हो रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तुम, ना मैं और ना ही भाई। जैन, चलो कहीं बाहर चलते। मैंने तो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन आप मुझे लग रहा है कोई टेस्ट ले रहे हैं। पास हो गई तो एक्सेप्ट कर लेंगे और फेल हो गई तो रिजेक्ट कर देंगे। देखिए आज मुझे इतना पता है, जिस रिश्ते में ईमानदारी नहीं होती मैं उसे जोड़ती नहीं, और अगर कोई मुझ पर भरोसा कर ले तो उसका भरोसा मैं मरकर भी तोड़ दूंगी। बदले बदले से मेरे यार नजर आते हैं, मुझे तो इश्क के आसार नजर आते हैं। आती, शायर और उसकी फीलिंग्स के बारे में बहुत टची हूं, तो उस बारे में कोई मजाक? अरे भाई, मैं आपकी फीलिंग्स का मजाक थोड़ी बना रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं, आपके दिलो दिमाग में इस कदर छाई हुई है कि नींद का तो कोई आसार ही नहीं। आती, तुम नहीं सुधरोगे। हो गया है भाई, ये हम दोनों की सुधरने की उम्र थोड़ी ना है, बल्कि बिगड़ने की उम्र। कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल? टाइम इज फास्ट, लाइफ इज फास्ट, फिर हम कैसे पीछे रहे? एनीवेज, मैंने और बाबा ने पिज्जा का प्लान बनाया हुआ है, मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, प्लीज आप भी रेडी हो जाए। तुम जाओ, मैं आता। इश्क हो गया है भाई को। देखो इमान, ये अंगूठी ली है मैंने, अच्छी है ना? आहत को पसंद आएगी? अम्मी, इतनी महंगी अंगूठी लेने की क्या जरूरत थी? एक रस्म ही तो करनी है। बेटा, रिश्ते नातों में सस्ता और महंगा नहीं देखा जाता। अब फिर तुम्हें पता ही है, वो लोग तो बड़े लोग हैं, उन्हें तो किसी चीज की कमी है नहीं। ये तो मैं अपनी खुशी के लिए कर, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ अम्मी। खुशी तो सादगी में भी मिल जाती है, मुझे अपनी शादी में कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरी मंगनी हो या शादी, सादगी से होगी बस। क्यों सादगी से करेंगे? पहले तो सिर्फ तुम्हारा निकाह ही हुआ था, शादी तो नहीं हुई थी, अब तो ये इस घर की पहली शादी। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, मेहंदी से लेके माइयों, बारात से लेके वलीमे तक, सारे काम मैं अपने हाथों से करूंगी, अपने आप को थकने नहीं दूंगी। देखना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह तुम्हारी खुशियों को हर बुरी नजर से बचाए। आप खुश हैं? बहुत। आप खुश ही रहें। आपको पता है मैं, आप खुश होती है ना तो मेरा दिल बहुत पुरसुकून रहता है। आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे?
सैम, मैंने सोचा था तुम्हें बाहर ले आऊंगा, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। इतने छोटे से जहन पे इतनी बड़ी बड़ी टेंशन क्यों रखी हुई दोस्त? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं वापस आया था तुमने ही मुझे कहा था ना कि ईमान आप ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, तो क्या दोस्तों का दिल दुखाया जाता है कभी? ईमान आप ही थी मेरी अच्छी दोस्त, उन्होंने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, मगर अब वो बदल गई है। ऐसा नहीं है गुट्टा, वो नहीं बदली है, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ईमान सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना यार। तो वो किसके साथ रहेंगे फिर? वो किसके साथ रहेंगी, कहाँ रहेंगी, बस ये दुआ करो कि वो खुश रहे। जब कोई जाता है कहीं भी तो उसको दुआ दी जाती है ना, ना कि उससे नाराज होकर बैठ जाए। उसका आगे का सफर कितना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें आइडिया है? आपके आने पे मैं कितना खुश था, अब ईमान आप ही। बस बस अब ईमान आप ही का चैप्टर यहीं क्लोज। अपने दिल से उनके लिए नाराजगी खत्म कर दो, अब नहीं सोचना कुछ भी। वैसे भी ये जिंदगी एक प्लेटफॉर्म की तरह है, कोई आता है कोई जाता है, हम कौन सा जिंदगी भर इस दुनिया में यूं ही रहेंगे, कोई भी नहीं ठहरता कहीं पे भी। तो प्लीज रिलैक्स और सबके लिए अच्छा सोचो। अब जल्दी से आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम पिघल रही है। ईमान, ईमान फोन दो, ईमान। अरे 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 बेटा, नहीं क्या है, चोट लग जाएगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आओ। क्या दौड़ भाग करते रहते बच्चों की तरह से तुम लोग, हैं? बीजाने से बोले, किसने किसको सताया मुझे? ये तो मेरी बड़ी मासूम बच्ची है, इसने तो कुछ नहीं किया होगा, तुम ही होगे। अच्छा ये मासूम है, बताऊं कितनी मासूम हो तुम? बताऊं बताऊं क्या है, ऐसी क्या बात हो गई जो एक बताना चाह रहा है और एक छुपाना चाह रहा है, क्या हुआ ऐसा? बीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इनसे पूछे, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इनके फोन में क्या है ऐसा? नहीं बताओ मुझे, बताओ मैं जान के रहूंगी, हुआ क्या है? बीजन आप इससे साफ साफ कह दें, अगर इसे मुझसे शादी करनी है ना तो दिमागी तौर पे बड़ा होना पड़ेगा इसे। तुम बहुत बड़े हो गए हो, बस उसके पीछे दौड़ते भागते रहते हो हर वक्त। मुझे तुम ये बताओ कि दौड़ भाग छोड़ के तुम कभी इसका हाथ पकड़ के जिंदगी की राह में आगे भी बढ़ोगे कि नहीं? बीजान से चमटना कम करो, बीजान कैसे का प्यार, मेरा भी है। अरे मेरा भतीजा, दोनों मेरी जान। बीजान ये रुमाल किसका है? ये मेरा रुमाल है बेटा, अभी मैंने खत्म किया है। ये नाम किसका लिखा है बताओ, ये किसका नाम है? अरे बच्चे का, ईमान। और ये बीजान। ये रुमाल हमेशा मेरे पास रहेगा और तुम दोनों हमेशा इस तरह से एक दूसरे के साथ रहो, है ना? काश इस रुमाल पर जुड़े नामों की तरह मैं तुम लोगों की तकदीर भी जोड़ सकती। ऐसा कलम होता, कोई ऐसा वरक होता जिस पर मैं एक मरतबा फिर तुम लोगों का साथ लेकर क़यामत तक के लिए महफूज कर लेती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम दोनों को साथ देखने की हसरत लिए इस दुनिया ही से रुखसत हो जाऊंगी। बस
जैन, क्या हुआ? कोई काम था? आई एम सॉरी माना पी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब आप चली जाएंगी तो मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जैन, और जिशान भाई से। हाँ, मैं इस घर में रहने वाले हर फर्द से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर आप हमें छोड़ के क्यों जा रही हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ? आपकी शादी। इधर बैठो। मेरी शादी में अभी बहुत टाइम है, और तुम्हें किसने कहा है मैं शादी के बाद तुम्हें भूल जाऊंगी? हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। ऑलराइट, दैट्स लाइक वन गुड बॉय। फ्रीजर में आइसक्रीम रखी है तुम्हारे लिए, जाके खा लो मेरे मोटू। अच्छी। लाए बीजान, मैं सुई में धागा डाल देती हूँ। भाई मुझसे नहीं होता, आंखें फूट गई करते करते। आपकी नजर कमजोर हो गई है, चश्मा बनवाए आप अपना। चलो ठीक है, ईमान से कहूंगी मुझे ले चले डॉक्टर के पास। बीजान आप मुझे कह देती, मैं आपके ग्लासेस बनवा देता, कौन सी बड़ी बात। सुनो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सच कह रहे हो? अरे हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कितनी दफा तुम्हें कॉल की है, लेकिन तुम्हारी कॉल मिल ही नहीं रही थी। यार प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। किससे? ऑफ कोर्स तुमसे, और किससे? देखो आती मोहब्बत डर कर नहीं, डट कर की जाती है, डिठाई से। काश ये बात किसी और को भी समझ आ जाती। किसको? वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वाओ, ब्यूटीफुल, प्योर डायमंड, राइट? खा गए ना धोखा? इट्स आर्टिफिशियल। कम ऑन यार, मुझे डायमंड की पहचान है, ये असली डायमंड है और एक्सपेंसिव भी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, एक्चुअली बाबा की कॉल आई थी, जल्दी आने को। नहीं मैं खुद से चली जाऊंगी। चलो ड्रॉप कर देता हूँ मैं। नहीं तुम जाओ। ओके टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।
ईमान के मुस्तकबिल के लिए अगर मैं चुप तो इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दो दिन के बाद ईमान की मम्मी, अगर तुम वाकई इस घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना तो ईमान की मंगनी वाले दिन इस घर में नजर ना आना। खदशा ये नहीं है कि ईमान तुम्हें देखकर उसके जहन में कोई पुरानी याद ताजा हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इसका तो मुझे पक्का यकीन है कि अब ईमान की जिंदगी में तुम दूर दूर तक कहीं नहीं हो। खदशा ये है कि अगर मंगनी वाले दिन लोगों ने तुम्हें वहां देखा तो लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। इसलिए ना ये मेरा हुक्म है और ना ही मैं तुम्हें ईमान की खुशियों का वास्ता देके कुछ कहूंगा। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है ना तो ईमान की मंगनी वाले दिन तुम इस घर से चले जाओ। उम्मीद करती हूं कि तुम मेरी ये बात मान लोगे। Beautiful, pure diamond, right? खा गए ना धोखा? It's artificial. Come on यार, मुझे diamond की पहचान है, ये असली diamond है और expensive भी। आपा आपा, इस वक्त आपने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल फिक्र ना करें और प्लीज मंगनी में ना आने की बार बार माजरत ना करें, प्लीज आपा। आपा मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करके दोबारा आपसे बात करता हूँ, मैं भी कॉल करता हूँ। व्हाट हैपेंड बाबा, इज एवरीथिंग इज ओके? आपने इतना अर्जेंटली मुझे बुला लिया। हाँ यार आती, वो आहत किसी वजह से मेरा फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने परेशानी में तुम्हें मैसेज कर दिया, मैं घबरा सा गया था। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है? आपा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं? क्या हुआ उन्हें? उनके दिल के वाल्व बंद हो गए और डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में एंजियोग्राफी और सर्जरी के लिए कहा है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई पापा परेशानी वाली बात है। ऊपर से भाई की मंगनी है और ये सब कुछ। हाँ वो हालांकि कई दिनों से यहाँ आने की तैयारियां कर रहे थे लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अचानक आजमाइश आ गई है तो झेलनी तो पड़ेगी। पापा प्लीज आप परेशान हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है मगर कश्मकश ये है कि पापा वहाँ अकेली हैं। अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो मंगनी की तकलीफ में कोई बड़ा कसूर नहीं होगा और अगर नहीं जाता हूँ तो वहाँ वो अकेली होंगी। क्या पापा हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक फुफो ठीक नहीं हो जाती हम मंगनी की डेट आगे कर लें? नहीं नहीं बेटा, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उनके घर वालों की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और फिर पहले भी उस बच्ची के रिश्ते के मामले में काफ़ी कुछ बुरा हो चुका है, अगर हम अपडेट आगे करेंगे तो खामखा की खदशात पैदा होगा उनके दिल में। फिर हम ऐसा करते हैं कि मैं फूफो के पास चला जाता हूँ, आप पीछे एंगेजमेंट करा दें। हाँ वैसा किया जा सकता है लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी आहत बहुत महसूस करेगा। आप प्लीज परेशान मत हो, आहत भाई से मैं खुद ही बात कर लूंगा, आप बस मेरे जाने का इंतजाम करो। आर यू श्योर? मेरा बेटा प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैं अभी आपको को इन्फॉर्म करता हूँ तुम्हारे आने के बाद, ठीक है? शिफा मुबशर, सोचा था कि तुम्हें भाई की मंगनी में इनवाइट करूँ
इसी बहाने हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जान लें। मगर खैर, जो अभी नहीं कर सका, भाई की शादी पर करूंगा। आज लंच करने का मूड नहीं है? कब से वेट कर रही थी तुम्हारा कैंटीन में यार। जिसकी मैं मेहनत बस ये कर लूं। अच्छा एक बात तो बताओ, कल ऑफिस के बाद अपने हम सफर के साथ सफर कैसा रहा? क्या कह रही हो? मैं पूछ रही हूँ, कल ऑफिस के बाद अपने हम सफर के साथ सफर कैसा रहा? तुम्हें कैसे पता? कहीं ये तुम्हारी और राहत की मिली भगत तो नहीं थी? दिमाग खराब है तुम्हारा भाई। कल मैं ऑफिस के बाहर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, तभी देख लिया था। अच्छा बताओ ना, जासूसी करना अच्छी बात नहीं होती? ओहो, प्राइवेसी, जासूसी, रहने दो भाई। सारी जिंदगी तुमने अपने सारे रोने मेरे कंधे पे नहीं रोए, और आज जनाब को जब रोमांटिक होने का मूड आया या खुश होने का मूड आया तो आपको अपनी प्राइवेसी याद आ रही है? That's not fair. Come on, आहत बिल्कुल भी रोमांटिक बंदा नहीं, और आई थिंक वही सब कुछ मुझे समझने के लिए कर रहा है। तो ये तो और ही अच्छी बात है ना। देखो, शादी से पहले तुम्हें जितना समझेगा, शादी के बाद तुम दोनों की कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी होगी। जहां तक मुझे लगता है, वो बहुत अच्छा बंदा है। तुम्हें नहीं लगता वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा पहले एक निकाह टूट चुका है और उसे शायद मेरे किरदार? नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, आहत इज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, और अच्छा है शादी से पहले वो तुम्हें जान ले, पहचान ले, इसमें बुराई क्या है? भाई देखो, हो सकता है मर्द होने के नाते वो तुम्हारे दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो, और इसके इस अच्छे पर्सपेक्टिव को तुम हरगिज नेगेटिव मत लेना। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुमने कोई झूठ बोला है या कोई गलत बयानी की है? नहीं ना, एवरीथिंग इज स्टिल क्लियर मेरी जान। और वैसे भी अच्छा, शादी से पहले तुम्हें जान ले, पहचान ले, जितना तुम्हें जानेगा उतनी उसकी नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। सो टेंशन फ्री हो जाओ मेरे यार, और अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि अपनी जिंदगी की सारी दुख और परेशानियां तुम झेल चुकी। अब चलो यार, तुम्हारी इस लव स्टोरी में ना मुझे भूखा नहीं मरना, बहुत भूख लग रही है, बहुत टाइम हो गया है। एक मिनट दे दो, मैं बस एक काम खत्म करके फिर आ। मैं एक मिनट भी रुक सकती, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, जाओ ना, खाना शुरू करो। मैम, आपको बॉस रूम में बुला रहे हैं। बॉस जी? आपको ठीक है, शुक्र है शमीम को आपकी बात समझ में आ गई है, वो बहुत मुतमईन है, वरना गुजरे हुए दिनों में तो घर का माहौल बहुत अजीब सा हो रहा था। तुम भूल रही हो तायरा, पानी जितना पुरसुकून होता है उतना ही गहरा भी होता है। ना जाने सुकून कितने दिन का है। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब से शमीम ने बिना गुस्से के जीशान से बात की है ना, एक उम्मीद सी बन गई है। सीशान से बात की है? हाँ, उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या बात हुई है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस वो बहुत पुरसुकून है। यकीन नहीं आ रहा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पहले जीशान का वापस लौटना मुझे बहुत डरा रहा था, लेकिन अब मुझे एक ढार सी हो गई है कि शमीम शायद उसे माफ कर दे, उसका गुस्सा खत्म हो जाए। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर शमीम उसे माफ कर देगी ना, तो आप भी उसे माफ कर दीजिएगा। जिसका वो मुजरिम है, अगर वही उसे माफ कर देती है तो फिर मैं सजा देने वाला कौन? लेकिन ये खलिश इतनी जल्दी खत्म होती हुई मुझे नजर नहीं आ।
तो क्या आप ईमान की शादी के बाद भी नहीं करेंगे? देखिए मुबशर, गुस्सा तो हमें इसी बात का था ना कि उसने ईमान को दुख दिया। अगर ईमान के हिस्से की सारी खुशियों से मिल जाती तो हो सकता था शमीम की खलिश भी दूर हो जाती। लेकिन तायरा, जिसे तुम नफे का सौदा समझ रही हो ना, उसमें तुम्हारे बेटे का नुकसान भी है। ठीक है, ईमान की शादी के साथ शमीम की खलिश तो जरूर दूर हो जाएगी, लेकिन जीशान की खलिश, उसका क्या होगा? आइए ईमान, मैं आपका इंतजार कर रहा था। नहीं थैंक यू, मैं कैंटीन में सबकी तरह लंच करूंगी। मैंने आपसे कब लंच का काम? एक्चुअली ये सारा खाना मेरे लिए। वो क्या है ना कि जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो बहुत खाना खाता हूँ, बहुत भूख लगती है मुझे, और जब मैं खुश होता हूँ तो मेरी भूख उड़ जाती है। मैं आपकी डिप्रेशन और खुशी का रीजन नहीं जानना चाहती, प्लीज मुझे मेरा काम बताइए। मेरे पास आइए। जी आइए मेरे पास। एक्सक्यूज मी, मेरे कहने का मतलब है कि इधर आकर आप बैठे मेरे पास, जब तक मैं लंच करूंगा प्लीज मुझे इस फाइल के बारे में बताइए, क्या लिखा है इसमें? काम हो रहा है, बड़ा लाड आ रहा है आज। फिर कोई बात मनवानी होगी तुमने? वो मैं हाने की तरफ जा रही हूँ, उसके घर, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बेटा शाम का ये वक्त जो है ना, वो लोगों के घर वापस आने का होता है, और तुम बाहर जाने की बात कर रही, कोई जरूरत नहीं है। ईमान भी ऑफिस से आने वाली होगी, और ये हानिया कौन है? मैं तो नहीं जानती उसे। हाँ आप क्यों जानती होंगी, आप तो सिर्फ ईमान आपी की दोस्त जारा को जानती हैं, जिसका इस घर में भेदड़ा काना जाना है। हाँ तो जारा एक अच्छी लड़की है, दिल की भी अच्छी है, और ईमान का कितना बड़ा सहारा बनी रहती है। हर लड़की जारा जैसी नहीं हो सकती है। अब तुम शिफा को ही देख लो, तुमने कभी देखा है उसे इधर उधर जाते हुए, घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर? वो लड़की नहीं है, उसका दिल नहीं चाहता होगा दोस्तें बनाने का, लेकिन नहीं, उसके भी गुण ना बिल्कुल मेरी ईमान जैसे है। मेरे अलावा आपको हर कोई अच्छा नजर आता है, बिना बताए चली जाती थी वो ज्यादा अच्छा था, इजाजत लेना बवाल ही हो जाता है। बगैर पूछे घर से कदम निकाला ना बेटा, तो मैं आपकी टांगे तोड़ दूं। आपके अब्बू के बगैर आप लोगों की परवरिश की है मैंने, अपनी तरबियत पे उंगली उठने नहीं दूंगी। चलो जाओ, मना कर दिया ना, नहीं जाना कहीं। बहुत ही बदतमीज लड़की है, बजाय इसके कि माँ का हाथ बटाओ और काम खराब करके जा रही हो।
ये लीजिए बीजान, ये आपके ग्लासेस पहन कर देगी। अरे बेटा, इन आंखों में अंधेरा ही रहने दो। जब मैं इन आंखों से अपने बच्चों की खुशियां नहीं देख सकती तो मुझे इस रोशनी की जरूरत क्या है? किसने कहा आपसे कि मैं खुश हूं? मान खुश है तो मैं भी खुश हूं। ईमान खुश है, मेरी जान, मैंने बचपन से लेकर लड़कपन और जवानी तक तुम लोगों का एक एक लम्हा देखा है। मैं कैसे अपने दिल को समझाऊं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो? ठीक है, मेरी आंखों पे चश्मा नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों का दुख देख सकती हूँ। जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो क्या ईमान की तरह से उदास और खामोश होती है? नहीं, उन लड़कियों की आंखों में तो कई रंग होते हैं, मुस्कुराहटों के, खुशियों के, ख्वाबों के। तुमने ईमान की आंखों में इनमें से कोई एक रंग भी देखा? नहीं ना। मैं तुम दोनों बच्चों को इतनी अच्छी तरह समझती हूँ कि शायद कोई और नहीं समझता होगा। तुम मुझे बताओ, ईमान ये शादी क्यों कर रही है? इसलिए कि इस घर को उसका बेटा मिल जाए, हमारी चची की खफगी दूर हो जाए। ये करना इतना आसान नहीं है बेटा, लेकिन वो कर रही है तुम्हारे लिए निशान, तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। ये क्या था अबू? मुझे लगा जब तक मैं चाय बना के लाऊंगी आप किताब पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप तो अभी तक, मेरे ख्याल में आपने नई किताब शुरू कर दी। शुक्रिया बेटा। अरे भाई बंद कर देते, ये लो। अब बताओ क्या बात? आपने जीशान से बात की? किस बारे में? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तायबू, आपको जीशान की और जीशान को आपकी जरूरत है। और जब माफी मांगने वाला अपने किए पे खुद शर्मिंदा है तो हमें तो ये सोच के माफ कर देना चाहिए कि रोजे महशर हमारा रब भी हमें माफ कर देगा, और फिर अल्लाह ताला तो अपने बंदों को सजा देना ही नहीं चाहता कभी, इसीलिए तो उसने माफी मांगने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं रखी।
फिर इंसान का दिल इतना छोटा क्यों होता है कि छोटी से छोटी कोताही को भी माफ ना कर सके। जीशान से अम्मी की नाराजगी मुझसे ममता का इजहार है, लेकिन आप ताई अम्मी की किस्मत तो देखें। वो बेचारी तो अब तक जीशान को अपना बेटा तक ना कह सकी, उसे सीने से लगा के अपनी ममता की प्यास भी ना बुझा सकी। जो हुआ सो हुआ, अब जाने दे ताई अब्बू। सब भूलकर एक नई शुरुआत कर ले। क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं करेंगे? काश तू भी कभी दिखाई दे।